स्टार्ट कीजिए सर। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 9th के नए एकेडमिक ईयर में आप लोगों का और आज हम जो लेसन लेने जा रहे हैं इंग्लिश के लिए, कुछ एक्टिविटीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लैंग्वेज स्टडी, कल आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th की पहली पोयम वाका लिटिल सिल्वर डेडी का पढ़े हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आज हम एक्टिविटी करेंगे, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसको देखें। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक वीडियो शेयर करूँगा जो मेरा अपना है, आप लोगों से लोगों ने उसे देखना है। हम देखते हैं कि एन ई ए आर डैश वाई, अगर हम यहाँ पर एल लिखते हैं तो एक ये वर्ड बनता है नियरली। तो काफी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है नियर डैश वाई, एन ई ए आर डैश वाई, ऑलरेडी मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर दे चुका हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहां पर डैश में एल मिसिंग है, तो हमें जो सवाल दिया गया था उसमें हिदायत दी गई थी कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको, लेकिन उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है। आपको करेक्ट लेटर्स लिखना है और इस तरह आपको वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं कि एन ई ए आर डैश वाई, अगर हम यहाँ पर एल लिखते हैं तो एक ये वर्ड बनता है नियरली। इसी तरीके से सेकंड में है एच ए वी डैश सी, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लेटर मिसिंग है ओ, नीचे उसका जवाब लिखा है, आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ, ओ मिसिंग है। हम ओ लिखते हैं तो ये लफ्ज बनता है ओ। तीसरा पी आई टी एन आई डैश वाई, पी हम लेटर वहां पर लिखते हैं, ये डिक्लेटिव बन गया। चौथा सी ओ डैश आर ए जी ई, यू हमने लिख लिया वहां पे लेटर, तो पता है कि वहां पे लेटर यू मिसिंग है, हमने करेज लिखे यू के साथ में, ये लफ्ज बन गया करेज। तो आप देख रहे हो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। ज्यादातर अल्फाज जो आपको वर्ड दिए जाते हैं वो आपके सिलेबस में से ही दिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप लेसन और पोयम पढ़ते हो गौर के साथ पढ़ते हो, बगौर मुताला करते हो, तो आपको वर्ड बाकायदा याद रहेंगे और फौरन आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ये लेटर मिसिंग है और ये वर्ड ये हो सकता है। इसके बाद दूसरे में आप देख रहे हो डब्ल्यू ए डैश के, नीचे आप लोगों के लिए वहां पर देख रहे हैं कि एल मिसिंग है, वहां पर हो गया वाक। दूसरा है डब्ल्यू ए डैश टी, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर नीचे एन लिखा है तो वांट बना है, लेकिन अगर आप वहां पर टी लिखते तो वाट भी बनता था। तबैयात में आप लोग पढ़ते होंगे वाट, होल्ड वगैरह।
ऐसा जरूरी नहीं कि जो लफ्ज मिसिंग है मैंने जो लिखा वही आएगा। अगर कोई और लफ्ज, कोई और लेटर वहां पर मिसिंग मिसिंग में आप लिख सकते हो, जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बने तो आप लिख सकते हो। जैसे वहां पर मैंने वांट लिखा है, आप चाहे तो ठीक के साथ में वहां पे व्हाट भी लिख सकते। तीसरा है RIG-T, एस मिसिंग है, हमने राइट लिखे। चौथा है M-ST, फिर यहाँ पर वही बात होती है कि एक से ज्यादा लेटर का हम यूज कर सकते हैं और वर्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर यू लिखा, मस्ट हुआ, आप चाहे तो ओ लिख सकते थे, मोस्ट, मोर, मोस्ट, तो ओ भी अगर आप लिखते हैं तो सही होता, मोस्ट या मस्ट, ओ आएगा या फिर यू भी लिख सकते। इसी तर्ज पर AP-UT, ओ मिसिंग है, अबाउट हुआ, BI-RY, ए मिसिंग, डायरी, POP-LAR, यू मिसिंग है, पॉपुलर, PLA-T, एम मिसिंग, प्लांट। इसके बाद ये हुआ हमारी एक्टिविटी, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। इसके बाद की एक्टिविटी बहुत सिंपल, बहुत इजी, इसमें किसी तरीके की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिया गया है कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, मंदरजा झैल जुमलों को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, मीन्स एज इट इज लिखना है। इसमें किसी कमी बेशी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा जुमला दिया गया है, जैसा सेंटेंस गया है, आपको उसको देखकर एज इट इज लिखना है। जैसे दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस, आप देख रहे हैं कि नीचे जो आंसर दिया गया है एज इट इज दिया गया है, जहां पर कैपिटल लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स होना चाहिए स्मॉल लेटर, जहां पे डैश है वहां पे डैश। अगर आप लोग ऐसा करते हो कि दीज जो है उसमें आप टी को साइलेंट, टी को स्मॉल कर देते हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको ऐसे चीज लिखना है, यहाँ पर हर चीज का, कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम, प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आंसर वैसे लिखा है, हाउ डिड दिस मैजिकल बेवरेज गेट इट्स नेम, क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे होंगे कि एज इट इज लिखा गया है, आखिरी पे क्वेश्चन मार्क दिया गया था सेंटेंस में, हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दी। अगर क्वेश्चन मार्क अगर मैं हम नहीं लिखेंगे जो कि सेंटेंस में दिया गया है, तो क्या होगा, हमारे मार्क कट जाएंगे। थर्ड वन इज, वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट इज द मैटर। यहां पर क्या यूज हुआ सेंटेंस में, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स तो है ही, यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। तो यहां पर कॉपी करना है, कोई परेशानी की इसमें हमें बात नजर नहीं आती है। इसके बाद आते हैं हम, हमारा जो रिवीजन चल रहा है लैंग्वेज स्टडी का, तो ये भी हमको पता है, ये एक्टिविटी अलहमदुल्ला कर चुके हैं, रिवीजन में हम देख रहे हैं दोबारा। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से लेके जेड तक अल्फाबेट, ए पहले आता है या बी पहले आता है या सी या डी, तो आप बोलेंगे सर ABCD में पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो हमको उसी उसूल पर काम करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं आंसर ऑलरेडी आपको दिया गया है, दिए गए हैं, होपलेस, डिफेंसिव, प्लान, एग्जीक्यूट। यहां पर हम इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे,
लाल रंग में, रेड कलर में आपको जो एच बी सी और ई दिखाई दे रहे हैं, तो हमको उन वर्ड्स के पहले लेटर्स को देखना है। जैसे होपलेस में एच, डिफेंसिव में डी, प्लान में सी, एग्जीक्यूट में ई। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में चार वर्ड्स में से चार लेटर्स सामने आ रहे हैं, एच बी सी ई। सिंपली हमको क्या करना है, ये देखना है एच पहले आता है डी या सी या ई। देखिए आपको ऊपर अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक लिखे गए हैं, तो हमें पता चलता है कि इसमें एच बी सी ई में सी पहले आता है, तो हमने लिखे प्लान। इसके बाद जो वर्ड्स रिमेनिंग है बचे है वो है एच बी और ई। हमको पता है कि एच बी ई में ई अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो हमने लिखे डिफेंसिव। हमारे पास अब दो वर्ड्स बचे हैं, होपलेस एंड एग्जीक्यूट, एच और ई। एच और ई में अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, तो ऑर्डर के हिसाब से हम लिखेंगे एग्जीक्यूट, ई फॉर एग्जीक्यूट एंड लास्ट एच फॉर होपलेस। तो ये हुआ पहला सेट। इसमें पहले सेट में तमाम वर्ड्स के पहले लेटर्स अलग अलग होते हैं, तो हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन इसका जो दूसरा सेट होता है प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा आप लोगों की ज्यादा आजमाइश की जाती है कि आप लोग कितना समझते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे सेट में हमेशा पहला लेटर सेम होता है और बाज अवकाश सेकंड और थर्ड लेटर भी सेम होता है, जैसे सक्सेस में एस पहले आया, स्ट्रेटेजी में एस, स्पेसिफिक में एस एंड स्पेक्यूलेट में एस। तो हम देख रहे थे कि ऊपर होपलेस, डिफेंसिव, क्लैन, एग्जीक्यूट में तमाम लेटर्स पहले जो है वो अलग अलग है, लेकिन दूसरे सेट में तमाम लेटर्स जो पहले लेटर्स है वो सेम है, यहाँ पर एस। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। हमको क्या करना है कि पहले लेटर्स को छोड़ देना है, पहले लेटर्स जो एक जैसे हैं, एक ही है एस है, तो उनको नजरअंदाज करना है। हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स के दूसरे लेटर्स पे नजर डालेंगे। अब देखिए सक्सेस में दूसरा लेटर है एस, स्ट्रेटेजी में है टी, स्पेसिफिक में है पी, स्पेक्यूलेट में है पी। तो हमारे पास में दूसरे जो लेटर आ रहे हैं वो आ रहा है यू, टी, पी और पी। तो हमको ये देखना है कि यू, टी और पी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है। हाँ, तो एबीसीडी में एस पहले आता है, टी पहले आता है, पी पहले आता है। आपको पता है कि एस पी पी में पी पहले आता है, तो हमारे पास में पी वाले दो वर्ड्स स्पेसिफिक एंड स्पेक्युलेट। अब स्पेसिफिक में भी पी है और स्पेक्युलेट में भी पी है, तो हम इस कंडीशन में क्या करें। अब दोनों में से तो हमको पहले तो कोई लेना होगा, लेकिन दोनों पहले नहीं ले सकते ना, उसमें से कोई एक ही पहले आएगा। तो स्पेसिफिक और स्पेक्युलेट ये दो वर्ड्स हम पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सक्सेस में यू और स्ट्रेटेजी में टी है, तो यू और टी से पहले पी आता है, इसके लिए हम पी वाला वर्ड लेंगे, जो पी लेटर वाला वर्ड हम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आ गई है कि हमारे पास में स्पेसिफिक और स्पेक्युलेट में दोनों में पी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से पहले कौन से आएगा, इसके लिए हम इनके थर्ड लेटर को देखेंगे। पी के बाद ई आ रहा है, स्पेक्युलेट में भी ई आ रहा है, सेम हो गया। फिर स्पेसिफिक में सी आ रहा है, स्पेक्युलेट में सी आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम देखते हैं कि स्पेसिफिक में सी के बाद आई आया, स्पेक्युलेट में यू, तो बहुत हमारा जो सिंपली हमारे को समझ में आ गया कि स्पेक्युलेट में स्पेसिफिक और स्पेक्युलेट में एस पी ई सी, एस पी ई सी, यहां तक तो सेम है, तो
हम इसके जो बाद वाला जो लेटर है वो देखेंगे तो यहाँ पर आई आ रहा है, स्पेकुलेटली यू आ रहा है, तो यू से पहले आई आता है, इसके लिए हम आई वाला स्पेसिफिक लिखेंगे, स्पेसिफिक उसके बाद स्पेकुलेट। आगे अब बचते हमारे पास दो वर्ड्स, सक्सेस एंड स्ट्रेटेजी। अब सक्सेस में यू है सेकंड लेटर, क्योंकि दोनों के लेटर एस एस सेम है तो हम सेकंड लेटर पे चल रहे थे। सक्सेस में यू, स्ट्रेटेजी में टी। यू और टी में पहले टी आता है इसलिए हमें स्ट्रेटेजी लिखे और लास्ट का लेटर सक्सेस लिखिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करते चलिए, इंशाल्लाह बहुत आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये इसको हमको नजरअंदाज नहीं करना। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है लिसन फील नॉलेज वर्ड, तो आप देख रहे हैं कि पहले सेट में तमाम लेटर्स सबके अलग अलग है, यहाँ पर निकल के जो लेटर्स आ रहे हैं पहले वो एल एफ ए और डब्ल्यू है, तो हमको मालूम है एल एफ ए और डब्ल्यू में हम क्या करेंगे, लिसन पहले आएगा, फील नॉलेज वर्ड, तो आप देख रहे हैं एल एफ ए और डब्ल्यू में हमको मालूम है एफ पहले आते, इसके लिए हमने फील लिखे। उसके बाद जो वर्ड्स बचते हैं एल के डब्ल्यू, हमको मालूम है एल के डब्ल्यू में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल से पहले के आता है इसलिए हमने नॉलेज लिखे। एल और डब्ल्यू में एल पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हमने एल से लिसन लिखे और बता वर्ड। अब यहाँ पर जो इसका दूसरा सेट है उसमें पहले लेटर सेम, जनरली दूसरे सेट में पहले लेटर या फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम ही आते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मोर, मदर, मैटर और मैनर, फर्स्ट लेटर्स क्या है इनके सेम है एम, हम क्या करें सेकंड लेटर देखेंगे, मोर में ओ, मदर में ओ, मैटर में ए, मैनेजर में ए, तो हमारे पास जो लेटर्स निकल के आते हैं वो है ओ ओ ए ए, आपको पता है ओ ओ ए ए में ए पहले आता है, हम ए वाले वर्ड्स देखेंगे मैटर और मैनेजर, अब इनमें से हमको कोई पहले लेना है तो हम इनका किसका लेटर देखेंगे, मैटर में ए के बाद टी, मैनेजर में ए के बाद एन, हमको पता है ए एन और टी में पहले एन आता है इसके लिए हम लिखेंगे मैनेजर, उसके बाद में मैटर, अब है मोर और मदर, इनमें सेकंड लेटर फिर सेम है ओ और ओ, हम थर्ड लेटर देखेंगे आर और टी, हमको पता है टी से पहले आर आता है इसके लिए हमने लिखे हैं मोर उसके बाद मदर। इसी तरह यहाँ पर भी सिंपल है, इजी है, फादर सन ब्रदर एंड सिस्टर एफ एस बी एस, हमको पता है एफ एस बी एस में बी पहले आते ब्रदर लिखे, फिर उसके बाद में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में एफ आता है तो फादर लिखे, बाद में सन और सिस्टर पहला लेटर सेम है तो सन और सिस्टर में से पहले कौन आएगा, हम सेकंड लेटर देख रहे हैं ओ और आई आ रहा है सन में ओ, एस सिस्टर में आई, हमको पता है आई पहले आता है, हमने सिस्टर लिखे बाद में सन। यहाँ पर फिर एक बार सेकंड सेट, पहले लेटर एस, सन सैंड सून सैम, सेकंड लेटर देखेंगे हम सन में यू, सैंड में ए, सून में ओ, सेम में ए, तो हम देखेंगे सेकंड लेटर में ए और ए, ये ओ और यू से पहले आते हैं, तो हम सैंड और सेम में देखेंगे एस ए सेम है, हम थर्ड लेटर पे जाएंगे सैंड में एन, सेम में एम, एम और एन में पता है आपको एम पहले आता है उसके बाद एम आता है, तो हमने सेम में सेम लिखे फिर सैंड लिखे। अब बचे हमारे पास सोन और सन, यहाँ पर सेकंड लेटर ओ है, सन में यू है, ओ पहले आता है इसलिए सोन और यू बाद में आता है इसके लिए सन, तो अजीज तलबा तालिबात उम्मीद है आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन शर्त है कि आप प्रैक्टिस करें क्योंकि मश्क इंसान को कामिल बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन ना मैन परफेक्ट। आगे इसके बाद की एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेक फोर वर्ड्स मिनिमम थ्री लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड,
अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको कोई एक वर्ड दिया जाएगा, उनमें से लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? मेक फोर वर्ड्स, चार वर्ड बनाने हैं। लेकिन शर्त क्या लगा दी गई है कि वो जो भी वर्ड्स हो उसमें कम से कम तीन लेटर का यूज किया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने बाय लिख दिए तो बी और वाई बाय लिख दिए, नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम तीन लेटर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। वैसे चार वर्ड्स बनाने हैं, देख रहे हैं आप, जवाब आपके सामने ही है। रिप्रेजेंटेटिव, सिंपली हमने क्या करे, इसमें से वर्ड निकाले, रिप्रेजेंट एक वर्ड बना, प्रेजेंट दूसरा वर्ड बना, आर ई एस और टी का हमने यूज किया, रेस्ट हुआ। फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव में लेटर्स का इस्तेमाल किया तो एन ए पी आई बी ई नेटिव बन गया। तो हमने देखे बहुत इजीली हमने यहाँ पर चार वर्ड्स बना लिए। आप चाहे तो और बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिसाल के तौर पे बताए गए तो आप बहुत सारे वर्ड्स बना। ओके, अब इसके बाद इंटरनेशनल में भी हमको लेटर्स का यूज करते हुए चार वर्ड्स बनाने थे, तो हमने बनाए एंटर नेशनल नेशन और टेन। हमने क्या किया, इंटरनेशनल में जो लेटर्स आपको दिए गए हैं उनका ही इस्तेमाल किया, कोई अलग से आपको यहाँ पर दूसरे लेटर्स का यूज नहीं करना है। इंटरनेशनल में जितने लेटर्स हैं उनका ही यूज करेंगे आप, उनका ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल में जो लेटर्स यूज नहीं किए गए उन लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे अरेंजमेंट, तो हमको अरेंजमेंट में अरेंज बाय डिफॉल्ट मिल गया, अरेंज। उसके बाद जेम, फिर हमने देखे एजीई का इस्तेमाल करते हुए एज, उसके बाद आर ए एम रैम, तो ये वर्ड्स मिले हमें। आप चाहे तो और बहुत सारे वर्ड्स इसमें बना सकते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करते चलना चाहिए। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में तो हमको पहले ही मिल जा रहा है इन्फॉर्म, उसके बाद एम ए टी मैट, एफ ओ आर एम फॉर्म और फॉर्मेट। आप देख रहे हो कि ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी नहीं है, बहुत सिंपल है, शर्त है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंप्लेंट, इसमें हमारे को लेटर्स का यूज करते हुए चार वर्ड्स बनाने थे, कम से कम तीन लेटर का वर्ड होना चाहिए, तीन लेटर का वर्ड होना चाहिए। प्लेन, उसमें ऑलरेडी मिला हमें प्लेन, फिर हमने एम ए आई एन लेटर्स का इस्तेमाल किया तो मैन, पी ए आई एन का इस्तेमाल किया तो पेन, पी एल ए एन लेटर्स यूज करके हमने प्लान ये वर्ड्स बना लिए। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसके बाद की जो एक्टिविटी आती है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट द वर्ड चेन ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर्स of the previous letter, previous word, sorry. अब हमको क्या करना है, इसमें जो वर्ड है तो उसका लास्ट लेटर जो है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, वर्ड चेन बनानी, अल्फाज की जंजीर। एग्जॉस्ट, लास्ट लेटर क्या है इस वर्ड में, टी, टी का यूज करते हुए हमें वर्ड चेन बनानी है। तो हम यहां पर फ्री है कि हम जो भी वर्ड्स लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फाज की जंजीर बनाना है। कंडीशन नहीं दिया गया है कि नाउन की बनाओ, वर्ब की बनाओ, एडवर्ब की बनाओ, तो आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, आजाद हुआ। टी का यूज करते हमने टाइगर बनाए, टाइगर में लास्ट लेटर आर है, हमने रेड लिखे, रेड में लास्ट लेटर टी है तो टॉर्च, टॉर्च में लास्ट लेटर एच है तो हॉर्स, हॉर्स में लास्ट लेटर ई है तो एलिफेंट,
एलिफेंट में लास्ट लेटर टी है तो टोमेटो, टोमेटो में लास्ट लेटर ओ है ऑरेंज, ऑरेंज में लास्ट लेटर ई है ए, की मिसाल है। आप दूसरे बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर आपको आंसर मिसाल के तौर पर दिए गए हैं, पेश किए गए वही लिखे। आगे कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउंस। अब यहाँ पर कंडीशन है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको वर्ड चेन बनानी थी अल्फाज की जंजीर, वहां पर आप फ्री थे, आप कुछ भी लिखो, आप वर्ब लिखो, नाउन लिखो, एडवर्ब लिखो, इट्स योर चॉइस। बट यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है, वर्ड चेन बनानी है आपको, लेकिन किसकी? नाउंस की। इसमें क्रोम लास्ट लेटर एम है, तो अब अगर हमने एम से वर्ब लिख लिए, एडवर्ब लिखे, गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशनल है, नाउन चाहिए हम। तो एम से मैट, लास्ट लेटर टी है टेबल, लास्ट लेटर ई है ईल, लास्ट लेटर एल है लंगूर, ये सब के सब क्या है? नाउन है। इसमें वर्ब इसके आता है सोल्जर, लास्ट लेटर आर है तो रेड डॉग ग्रेप्स सन, ये नाउन हो गए। इसके बाद जो एक्टिविटी मतलब हम कर रहे हैं, तो इसमें लास्ट कंडीशन क्या दी गई? वर्ब की। अभी हमको नाउन नहीं चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, वर्ब चाहिए। अब फिर पे लिखना है हमको, स्टार्ट में लास्ट लेटर टी है तो टी से हमने जो हम वर्ब लिखे वो टे, ये नाउन नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है, ये क्या है? वर्ब है, फेल है। टेक, लास्ट लेटर ई है ईट, ईट में लास्ट लेटर टी है तो टॉक, टॉक में लास्ट लेटर के है तो कीप, ये सब के सब क्या है? टेक, ईट, टॉक, कीप, वर्ब है, क्योंकि कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में? वर्ड चेन ऑफ वर्ब लिखना है हमको, नाम नहीं लिखना है, एडजेक्टिव नहीं लिखना है, कोई भी नहीं लिखना है, बल्कि आपको वर्ब लिखना है। तो आपके पास में वर्ब का, नाउन का, एडवर्ब की, एडवर्ब, ये सब का सब आपको पता होना चाहिए, तो ये बहुत आसानी से एक्टिविटी आप कर लो। इसके बाद देखिए आप, एक और कंडीशन आ गई, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे आप वर्ब नहीं लिखेंगे, नाउन नहीं लिखेंगे, ओके गुड। लास्ट लेटर टी है तो हमने क्या लिखे? डार्क, के है काइंड, लास्ट लेटर डी है तो डेंजरस, लास्ट लेटर एस है तो सैड। तो आपको क्वेश्चन गौर पढ़ना है कि हमको नाउन लिखने के लिए कहा गया है या वर्ब या एडजेक्टिव, और अगर इसमें से कुछ नहीं कहा कि कितना कहा गया, वर्ड चेन बनानी है और आगे कोई कंडीशन नहीं दी गई है नाउन वर्ब और एडवर्ब एडवर्ब्स की, तो आप आजाद हो, आप फ्री हो, आप चाहे जो वर्ड लिख सकते हो, लेकिन वर्ड्स इंग्लिश के जो है वही लिखना है आप, ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्टिविटीज जो है तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए एक्टिविटी दी गई है, जैसे आप देख रहे हो कि पहला सक्सेस सी, मिसिंग अ सक्सेस एटीट्यूड, स्लोली, स्मॉल, यहाँ पर अर्थ, लंच, वर्ड, बेटर, टीचर, स्टूडेंट, फादर, सन या सन, सन एस ओ एन सन बेटा, या एस यू एन सन सूरज, आफ्ताब, ये आप लिख सकते हो। ये भी एक्टिविटी है, बहुत ईजी है, देख रहे हैं बहुत सिंपल है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, और इन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, कोई परेशानी जाती है, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से कॉन्टेक्ट कीजिए आप, स्कूल बंद है लेकिन। हाँ तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो एक्टिविटीज़ वीडियो के मीडियम से आपको बताई गई है, प्रेजेंट की गई है, आपके समझ में आई होंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इसकी मश्क करें, बार बार करें, और ख़ास तौर पे आप लोग रीडिंग स्किल, आप रीड करते रहिए, जितने भी सिलेबस है आपका, पोएम हो, लेसन हो, प्रोज, ये सबको आपको रीड करना है, पढ़ना है, पढ़ के बाद उसको लिख के देखना भी है, और उसके जो वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, तो उसको भी आप अपनी बयाज में, अपने नोटबुक में लिखिए। जब आप ये करोगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ और ये इंग्लिश सब्जेक्ट सब बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। उम्मीद है कि आपका आज का जो लेक्चर है हमारा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले लेक्चर तक के लिए अलविदा कहता हूँ आप। अस्सलामु अलैकुम।